नमस्कार मित्र, आज हम बनाएंगे दूधपा खीर, क्रीमी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हम अक्सर प्रसंगों में बनाते हैं। कोई भी खुशी का माहौल है तो हम खीर बनाते हैं। माता को भोग लगाने के लिए भी खीर बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी खीर। इसके लिए मैंने पहले इस बर्तन में घी, नीचे घी से ग्रीस किया है, और 1 लीटर दूध लिया है, फैट मिल्क, और 40 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने भिगो दिए थे और अब इसे निकाल दिए हैं। 50 ग्राम मैंने शुगर ली है। 1/4 कप मैंने फैट क्रीम लिया है। 35% व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक पाउडर। आप जायफल से भी इसे कर सकते हैं, पीस सकते हैं। और मेरे पास ये बॉटल है ग्राउंड नटमेग की, वो मैंने लिया है। चारों ली 1/2 टीस्पून ली है। चिरंजी 1/2 पिंच ऑफ सेफ्रॉन केसर लिया है, और बादाम और पिस्ता के स्लाइस किए हैं 1 टीस्पून इच। अब हम इसे स्टोव पर रखते हैं। ये बहुत ही क्रीमी और स्वादिष्ट बनता है। तो शुरू करते हैं। तो मैंने ये दूध स्टोव पे रख दिया है, 5 मिनट पहले रखा है। अब इसे एक उबाल आने तक हिलाते रहेंगे। तो ये उबाल आ गया है, मीडियम आंच पे है। अब हम इसमें केसर डालेंगे, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप ऐसे एकदम ऊपर तक दूध आ जाए तो आप ऐसे ऊपर से थोड़ा सा हटा सकते हैं, और उसे हिलाते रहना, ऐसे हिलाते रहना, तो दूध ऊपर तक नहीं आ जाता। और वो साइड में से भी ये ऐसे करते रहना है। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। अब हम इसे चावल को पकने देने तक हिलाते रहना है, क्योंकि दूध नीचे से जल जाए तो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट बर्न टेस्ट आता है इसका, इसलिए हमें हिलाते रहना है। अब हम देखते हैं चावल पक गए हैं कि नहीं। पक गए हैं। ऐसे चावल अलग अलग लग रहे हैं दूध से, दूध और चावल अलग अलग लग रहे हैं। तो हम इसे मशीन से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इससे ज्यादा क्रीमी अच्छा बनता है। देखते हैं। और करते हैं। चावल को एकदम से मिक्स नहीं कर देना, थोड़े आधे आधे तक, जितना आधे आधे दिखे इतना क्रश कर देना है। आप देख सकते हैं अब कितना क्रीमी जैसा लगता है। अब हम इसे इसमें थोड़ा सा क्रीम डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने फैट क्रीम लिया है, 35% व्हिपिंग क्रीम लिया है मैंने, और शुगर भी डाल लेते हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसे उबाल आने तक होने देते हैं। अब इसमें हम जायफल नटमेग का पाउडर डालेंगे, बादाम पिस्ता भी डाल देते हैं, इलायची पाउडर और चारोली चिरंजी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा उबलने तक हिलाएंगे, ताकि शुगर का पानी भी थोड़ा सा बर्न हो जाए। बहुत ही अच्छा कलर भी आया है।
स्टोव की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अब ये उबलने लगा है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट माप के साथ। अब हम इसे सर्व करेंगे। गैस की आंच को बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खीर तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।